मेरा नाम रोहित सुथार है, मैं इंडिया से राजस्थान से हूँ और मैं यहाँ पे अभी सेकेंड ईयर में पढ़ रहा हूँ। मेरा नाम आयुषी रंजन है, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और अभी सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है, मैं इंडिया में बिहार से हूँ। मेरा नाम काजल है और मैं दिल्ली से हूँ और मेरा फर्स्ट ईयर है। मेरा नाम प्रिंसिपल है, मैं इंडिया हरियाणा से हूँ और मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। मेरा नाम साकेत कुमार, मैं बिहार से हूँ, मोरडोबिया स्टेट यूनिवर्सिटी में सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहा हूँ। यस, माय नेम इज शिवम दरीफा, आई एम फ्रॉम इंडिया झारखंड एंड नाउ स्टडिंग इन फर्स्ट ईयर। माय नेम इज अनूप कुमार एंड इंडिया हरियाणा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। मेरा नाम सौरव है, मैं इंडिया में हरियाणा से हूँ और मैं MRSU में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। हेलो, मेरा नाम आकांक्षा विजय कुमार नाइक है, मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ और मैं मोरडोबिया स्टेट यूनिवर्सिटी के फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ती हूँ। मेरा नाम अमनदीप है और मैं इंडिया में दिल्ली से हूँ और मैं मोरडोबिया स्टेट यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में पढ़ती हूँ। मेरा नाम पायल परमार है, मैं गुजरात से हूँ और मैं सेकेंड ईयर में पढ़ती हूँ। मेरा नाम मोहित यादव है, मैं हरियाणा से हूँ और मैं मोरडोबिया स्टेट यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर हूँ। हेलो सर, माई सेल्फ अंकित यादव, आई एम फ्रॉम राजस्थान इंडिया एंड आई एम हियर अ स्टूडेंट ऑफ सेकेंड सेमेस्टर। आप हर अलग अलग जगह से आप लोग हैं, तो आप लोगों को एक कॉमन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है, मतलब आप थोड़ा बताएंगे स्टडी के बारे में, यहाँ का स्टडी पैटर्न कैसा है? स्टडी पैटर्न हम लोग को यहाँ आने से पहले भी हम लोग को बहुत सारा डाउट था, लेकिन यहाँ आने पे सब क्लियर हो गया कि हाँ इंडिया जैसा ही सब कुछ है। यहाँ पे एक जो हॉस्टल फैसिलिटी कैसा है, फर्निश्ड हॉस्टल है कि उसमें क्या क्या फैसिलिटी आपको मिल रही है? हॉस्टल फैसिलिटी वेल फर्निश्ड है, यहाँ पे पूरी इंडियन फैसिलिटी है हॉस्टल में और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैस भी इंडियन है और पूरा फर्नीचर है, अटैच लैट्रिन। गर्ल्स पेरेंट्स को जो एक डाउट रहता है कि वहाँ पे कितना सेफ होगा, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? एज पर सेफ्टी, मतलब जो पेरेंट्स को होता है, इट्स अ नॉर्मल क्वेश्चन, मतलब जब लड़कियों को बाहर भेजते हैं तो एज पर सेफ्टी रूल्स सारांश इज़ अ वेरी सेफ सिटी, बहुत सेफ जगह है और हमारी हॉस्टल में काफ़ी सिक्योरिटी है। वैसे भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स है, हमारी वार्डन्स है, हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड्स है एंड और कोई भी दिक्कत हो तो हमारे फ्लोर पे कोऑर्डिनेटर्स भी रहते हैं, तो कोई दिक्कत भी हो उनको भी हम बोल सकते हैं। सो सिक्योरिटी वाइज बहुत अच्छी जगह है, इट्स वेरी सेफ। रशिया के लिए जब भी कोई क्वेरी होती है इंडिया में, पेरेंट्स को यही लगता है कि वहाँ पे रशियन लैंग्वेज है और बच्चे ना पढ़ पाएंगे ना कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो क्या वाकई ये सही है या आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है? ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही एक्चुअली, हम एक नई लैंग्वेज भी सीख रहे हैं, बट अगर स्टडी की बात है तो स्टडी इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि स्टडी इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो हमें एक नई लैंग्वेज सीखने को मिल रही है रशियन, तो इट्स बेटर फॉर अस। अंकित, यहाँ पे टेम्परेचर का एक प्रॉब्लम रहता है, जैसे इंडिया में सब लोग बोलते हैं कि रशिया में जो बच्चा जाएगा हमारा बच्चा कैसा रहेगा, वहाँ माइनस में टेम्परेचर रहता है। तुम ऑलमोस्ट एक साल से यहाँ पे हो, तो तुम मुझे थोड़ा बताओ कि ऐसा एक्सपीरियंस रहा रिगार्डिंग टेम्परेचर एंड क्लाइमेट। सर, एक्चुअली जब हम स्टार्टिंग में आए थे तब वेदर नॉर्मल था, बट फिर बीच में दिसंबर और जनवरी फरवरी में थोड़ा स्नोफॉल होता है, माइनस में चला जाता है, -20 के ऑलमोस्ट, बट हमारा ऐसा कोई डिफिकल्टी हुई नहीं हमें, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में हमें हीटर्स प्रोवाइडेड हैं, हमारे हॉस्टल के अंदर हर रूम के अंदर हीटर्स प्रोवाइडेड हैं, तो हम लोग तो हॉस्टल में टी शर्ट में भी रह लेते हैं। एंड अनदर थिंग्स लाइक लॉन्ड्री, वो हमारा अलग से हीटर के अंदर होता है, सब कुछ हो जाता है हमारा, तो इतना कुछ फील होता नहीं है। जब भी बाहर जाते हैं तो स्नोफॉल वगैरह होता है बस थोड़ा बहुत, उसके लिए अलग से हमें जैकेट वगैरह प्रोवाइडेड हैं, वो पहन लेते हैं हम लोग। बाकी ऑलमोस्ट हमें सिटी राइड फ्री होता है हमारा बस के अंदर, हमें कार्ड मिलता है अलग से, तो पूरी सिटी का हमारा राइड फ्री है, तो उसके अंदर भी इतना कुछ प्रॉब्लम होता नहीं हमें स्नोफॉल वगैरह के अंदर। बस हैं, एवरी मिनट वी गेट डिफरेंट बस फॉर आर यूनिवर्सिटी एंड इन केस वी हैव टू चेंज द बिल्डिंग्स फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर बिल्डिंग बिकॉज वी हैव डिफरेंट बिल्डिंग्स फॉर एवरी सब्जेक्ट, सो वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस। तो आप सब, आर यू ऑल हैप्पी विद दिस यूनिवर्सिटी इन ऑल टर्म्स? तो इंडिया में अगर कोई स्टूडेंट आना चाहता है तो आप उसको रिकमेंड करेंगे यूनिवर्सिटी? ओके, थैंक यू। आदित्य, यहाँ पे फूड का क्या प्रोविजन है तुम्हारे हॉस्टल में? हम जब शुरू में आए थे तो हमें पहले भी बताया गया था वहाँ पे कि यहाँ पे इंडियन मेस है, और जब हम आए यहाँ पे तो हमें खाना प्रोवाइड किया गया जो इंडियन, जो हम नॉर्मल इंडिया में खाते हैं, चावल दाल सब्जी, वही सब यहाँ पे भी मिलता है, प्रॉपर एक इंडियन मेस है
और ऐसा नहीं है कि साउथ इंडियंस और नॉर्थ इंडियंस इनके लिए अलग है, पूरा एक ही मेस है, हम साथ में ही खाना खाते हैं और वहाँ पे एक हाइजीन फैसिलिटी है, सब चीज़ बढ़िया है। हमारे कुक भी इंडियंस हैं, एक साउथ इंडियंस हैं, दो हमारे बिहार से हैं जो कुक खाना बनाते हैं, और सब कुकिंग के लिए नीचे भी एक फैसिलिटी है हमारे, मतलब जो सेकेंड ईयर या जो भी बच्चे अपना खाना बनाना चाहते हैं उनके लिए नीचे प्रोवाइड किया गया है कि वो खुद से भी खाना बना के खा सकते हैं, और जो मेस में खाना चाहते हैं वो मेस में खा सकते हैं। अगर आप मेस में कुछ एक्स्ट्रा भी ऑर्डर करना चाहो कि चिकन चिल्ली और एनी अदर थिंग्स, तो वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे कि आप लोग इंडिया से दूर है तो आप लोग वहाँ के जो फेस्टिवल्स है, जो हमारे त्यौहार है, वो मिस करते होंगे, तो उसके मतलब यहाँ कुछ सेलिब्रेट होता है या भी नहीं? यहाँ पर बड़े बड़े फेस्टिवल्स जो दिवाली है, होली है, वो तो यहाँ पर मनाई जाती है। दिवाली तो यहाँ पर कभी कभी यूनिवर्सिटी के जो सारे इम्पोर्टेंट डिग्निटरीज है, हमारे डीन, रेक्टर और जो वाइस डीन है, जो इंटरनेशनल ऑफिस रिलेशंस की जो हेड है, वो भी आती है, और इनफैक्ट हमारा जो कोऑर्डिनेटर और जो कंसल्टेंट है धर्म कुमार, वो भी कोशिश करते हैं हर बार की आए, और इट्स यूजुअली बहुत बड़े स्केल पे यहाँ पर मनाते हैं। यहाँ पर एक जगह बुक किया जाता है, वहाँ पर अच्छा अच्छा खाने बनाते हैं, सब लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, सो ऐसे नहीं लगता कि यहाँ पर हम इंडिया का कोई मिस कर रहे हैं एज ए फेस्टिवल। और यहाँ पर नए दोस्तों के साथ अच्छा मनाना, कभी कभी फायरवर्क्स भी चलाते हैं। और रही बात हमारी दूसरी होली सबकी, हमारे सीनियरों ने लास्ट टाइम होली सेलिब्रेट किया था तो वो बहुत अच्छा था, इस साल भी होगा होली, तो मतलब यहाँ पर ऑब्वियसली रंग एंड ऑल इज नॉट अलाउड, तो जैसे भी हम अपने साइड से कर सकते हैं हम करते हैं। ओके, मतलब आप सारे जो मेन फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। बाकी गर्ल्स सेफ्टी के लिए क्या है कि बैक होम अगर गर्ल्स आना चाहती हैं पढ़ने के लिए, तो उनके लिए कितना सिक्योर है यहाँ पे हॉस्टल से लेके सिटी? एज फॉर सेफ्टी, लास्ट ईयर मेरे मम्मी पापा यहाँ पर आए थे इसी फैक्टर को देखने, मतलब मेरा बच्चा जहाँ रह रहा है इज इट सेफ इनफ, तो उनको काफ़ी सेफ लगा। हमारा जो फ्रेस्को हॉस्टल है इट इज़ वेरी सेफ, और जहाँ से तुम आप शुरुआत करते हो वहाँ से हमारे एक अखाना होता है, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, फिर वहाँ पर 11 बजे के बाद देर इज़ नो एंट्री एग्जिट, कुछ एंट्री एग्जिट नहीं होता ऑन वीक डेज, नॉर्मल डेज। और वैसे वो हमारे दो फ्लोर है और दोनों फ्लोरों पे ऑन ईच डे एक वार्डन बैठी रहती है, एंड ऑन रेगुलर इंटरवल्स वो आके चेक करती है कि अगर बच्चा या मतलब जो भी है लड़का लड़की है या नहीं। सेफ्टी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और वो दे मेक श्योर, रशियंस एज अ होल वेरी फैमिली लाइक पीपल, वो दे मेक श्योर कि हाँ बच्चा सही कंडीशन में। हमारे हॉस्टल में हर जगह पे सीसीटीवी कैमरा है, किचन में है, कॉरिडोर्स में है, और ऐसे नहीं लगेगा कि देर इज़ नो सुपरविजन, सुपरविजन इज ऑलवेज है। कुछ दिक्कत हो गया तो ऑब्वियसली हमारे कोऑर्डिनेटर्स है, एक हायरार्की है, कोऑर्डिनेटर्स है, उसके बाद नीरज सर है यहाँ पर जो सारांश में काम संभालते हैं, उसके बाद धर्म सर है, और सो सेफ्टी वाइज इट्स अ वेरी गुड प्लेस स्पेशली फॉर गर्ल्स। ओके, तो ये जितने बच्चे हैं इनसे हमने बात की, यहाँ पे सेफ्टी वाइज दे आर हैप्पी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी अच्छा है, हॉस्टल इनको वेल फर्निश प्रोवाइड किया गया है, कैंटीन इंडियन कैंटीन है, इन ऑल टर्म्स दे गिविंग इट अ 5 स्टार। क्या आप इसे 5 स्टार देंगे? थैंक यू। शोर्स इसके यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और MBBS एडमिशन अब्रॉड की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। यश ओवरसीज इज अ ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इज रशिया, जॉर्जिया, यूक्रेन, फिलीपींस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान एंड चाइना। थैंक यू।